जो भी चाहिए अभी तक तो किया नहीं, अभी तक तो मकान गिर जाना चाहिए। अब पता नहीं क्यों नहीं योगी बाबा बोल रहे हैं कि ये इसका बुलडोजर चले या ना चले, अब तो बाबा ही बता सकते हैं ना। CDR में निकला है कि किसी का फोन नहीं गया था रात 9 बजे के बाद, 1 तारीख के 9 बजे के बाद किसी का फोन गया नहीं था। तो पहले तो ये जांच का विषय है कि किसी का फोन नहीं गया तो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि फोन आया था, फोन करके बुलाया गया था। पहला झूठ तो ये है। इन नवनाथ मिश्रा भी पकड़े गए हैं और मैं तो मांग करता हूं कि उसकी भी गाड़ी पलट जाए, जो योगी जी जैसे कार्रवाई करते हैं। देवरिया में हुए 6 लोगों के हत्याकांड के बाद अब तक मामले पर काफी कुछ घटित हो चुका है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की हत्या करने वाला मुख्य अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं प्रेमचंद यादव के मकान की पैमाइश भी की जा चुकी है। मामले पर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और साथ ही दोनों पक्षों को अपने अपने हिस्से के इंसाफ का इंतजार है। प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से नेताओं और समाज के लोगों का मिलना जुलना भी लगा हुआ है। इसी क्रम में कुछ लोग सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार से ही शिकायत जता दी। देखिए प्रशासन अभी ये नहीं है कि पूरा हम लोग ढंग है, जो भी चाहिए अभी तक तो किया नहीं, अभी तक तो मकान गिर जाना चाहिए। अब इसके हमारा कुछ आपको बोल नहीं सकते हैं। देखिए अभी तो 2 दिन में 3 दिन में इसका प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अभी आज ये 2 तारीख आज हो गया, 10 तारीख, अब इसमें अपना जोड़ लीजिए कितना हो गया, 8 दिन हो गया। 8 दिन तक अभी कुछ मुख्यमंत्री जी नहीं किए अभी तक, तो क्या हम जाने कि अभी प्रशासन कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं, ये भी जो भी वकील बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। प्रशासन किसी के दबाव में आ सकता है, आपको लग रहा है किसी की सत्ता में हनक में आ सकता है? प्रशासन सत का कोई गुंडा नहीं है, ना होने जा रहा है ना होगा। प्रशासन सबके माँ बाप हैं, सबके तुल्य होते हैं, किसी का ये नहीं करते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं योगी बाबा बोल रहे हैं कि ये इसका बुलडोजर चले या ना चले, अब तो बाबा ही बता सकते हैं ना। वहीं इन स्थानीय लोगों ने प्रेमचंद यादव को किए जाने वाले कॉल के दावे को भी सिरे से नकार दिया है और साथ ही नवनाथ मिश्रा की गाड़ी को पलटाने की बात भी ये कहते नजर आ रहे हैं। आरोप की तो बात करेंगे आप, तो तमाम जातीय विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं और कई आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए एक आरोप लगा था कि पहले फ़ोन प्रेम जी को किसी ने किया था, तो CDR या क्या एक पेपर में मैं कल पढ़ रहा था, सारे पेपरों में निकला था कि CDR में निकला है कि किसी का फ़ोन नहीं गया था रात 9 बजे के बाद, 1 तारीख के 9 बजे के बाद किसी का फ़ोन गया नहीं था। तो पहले तो ये जांच का विषय है कि किसी का फोन नहीं गया तो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि फोन आया था, फोन करके बुलाया गया था? पहला झूठ तो ये है। तो ऐसे आरोप तमाम लग रहे हैं। नहीं, मुख्य आरोपी कौन है ये तो ये भी जांच का विषय है। लेकिन नवनाथ मिश्रा भी पकड़े गए हैं और मैं तो मांग करता हूं कि उसकी भी गाड़ी पलट जाए, जो योगी जी जैसे कार्रवाई करते हैं, और प्रशासन उनके उसका इनकाउंटर करे। सबसे पहले तो नवनाथ मिश्रा जो पकड़ा गया है, जिसने ये कबूल किया है कि हमने जो है गोली मारी है, उन लोगों के साथ मिलकर हमने भी गोली मारी है, तो उसने भी गोली मारी है तो उसको गोली मारा जाए, क्योंकि किसी का एक परिवार उजड़ जाना चाहे वो, और गुनहगार की कोई जाति नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ ये जातीय विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें लोग। तो देवेश से मिलने आए लोगों ने एक तरफ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है तो साथ ही मुख्य आरोपी को भी सजा देने की मांग उठा दी है। बहरहाल इस मामले पर प्रशासन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देवरिया से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, UP तक।